बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सबको बोलने का मौका मिलता है और हमें अपना अधिकार चुनने का, हमारे जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। सर, आप माननीय सांसद रह चुके हैं और फिलहाल है कहना सर वो लगभग 30-35 साल में आज तक उनके, हमें ऐसा नहीं है कि सर ये सडनली कदम उठाए। सर, हम विधानसभा चुनाव से पहले ये मांग रख चुके हैं। माननीय कलेक्टर मैडम के कार्यालय में गए हम, जनसुनवाई में कार्य करें, सीओ पिछिया जो हमारा विकासखंड पड़ता है वहाँ पे हमने आवेदन दिया है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, जनपद अध्यक्ष हो या फिर जिला सीओ हो या जनपद सीओ, हमने अपनी मांग प्रॉपर तरीके से रखा है। ये अचानक सडनली कोई कदम नहीं उठाया। अब यहाँ की जनता सर बहुत त्राही हो चुकी है, मतलब प्रताड़ित हो चुकी है सर। ना तो यहाँ रोड है, ना तो यहाँ पानी है, ना तो कुछ है सर। तो अभी कोई गुंजाइश है सर? अब मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है और मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है। लोकतंत्र बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखा आपने तो गाँव में ग्रामवासियों के साथ साथ पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इस बात का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अंधेरे में भी बीए की लोग समझती है। आइए हम अधिकारी की बात करते हैं। इस बात का विरोध वोट नहीं, 1200 वोटर्स हैं यहाँ पर और 1200 में 25 वोट करेंगे। अरे ये तो सब लगे लिंक शेयर।